हेल्प जोन के यूट्यूब चैनल में स्टूडेंट्स आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या सिर्फ आईटीआई वाले ही अब रेलवे के ग्रुप डी के जो फॉर्म होते हैं वही भर सकते हैं और कोई स्टूडेंट नहीं भर सकता। बहुत से जो है कमेंट्स आ रहे थे मेरे को लगातार कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं ग्रुप डी के लिए, क्या हम कर सकते हैं कि नहीं। तो उसी लिए मैंने सोचा कि एक इस पर छोटी सी वीडियो बना दीजिए ताकि जो स्टूडेंट्स का डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईटीआई वाले या डिप्लोमा वाले ही अब रेलवे ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी बहुत सी ऐसी पोस्टें बची हैं जिसमें आईटीआई या डिप्लोमा के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। असल में आईटीआई और डिप्लोमा उन पोस्टों के लिए किया गया है जो टेक्निकल पोस्टें हैं। अभी भी कुछ पोस्टें ऐसी हैं जैसे देखिए ऑपरेटिंग में है, एपीएम की है, गेटमैन की है, बॉक्स बॉय की है, पीएन की है, ये सब जितनी भी है, सफाई वाला मेडिकल में हो गया, ये सब जो पोस्टें हैं इनके लिए कोई भी आईटीआई की ज़रूरत नहीं है, इनके लिए सिर्फ टेंथ की ही ज़रूरत है। उसके बाद देखिए खलासी है, इसके लिए भी कोई आईटीआई की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ ऐसी पोस्टें बची हुई हैं अभी भी जिसके लिए कोई आईटीआई या डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है, तो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यही थी एक छोटी सी जानकारी कि टेंथ वाले भी कुछ ग्रुप डी की पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे से संबंधित किसी भी अन्य प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हेल्प जोन को सब्सक्राइब कर सकते हैं।